हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको LIC के एक ऐसे प्लान के बारे में बताऊंगी जो आपको समय समय पर आपकी ज़रूरत के हिसाब से पैसे देता रहेगा। ये है LIC का प्लान बीमा बचत टेबल नंबर 916। ये प्लान सिंगल प्रीमियम नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट एंड मनी बैक प्लान है। इस प्लान में आप टर्म तीन ऑप्शन में ले सकते हैं, 9 ईयर, 12 ईयर और 15 ईयर। क्योंकि ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है इसलिए आप इसमें सिर्फ एक बार प्रीमियम पॉलिसी लेते समय जमा करना पड़ता है। इस प्लान की मिनिमम एंट्री एज 15 साल है, यानी इस प्लान को 15 साल या उसके ऊपर की उम्र वाले व्यक्ति को आप दे सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड आप इसमें टर्म 9 ईयर का है तो आप 35,000 ले सकते हैं, टर्म 12 ईयर का है तो 50,000 ले सकते हैं, टर्म 15 ईयर का है तो 70,000 ले सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी इनकम पर। मैक्सिमम एंट्री एज अगर आप 9 साल का टर्म लेते हैं तो 66 ईयर मैक्सिमम एंट्री एज होगी, अगर 12 साल का टर्म लेते हैं तो मैक्सिमम एंट्री एज 63 ईयर्स होगी और अगर 15 साल का टर्म लेते हैं तो मैक्सिमम एंट्री एज इसमें 60 ईयर्स होगी। इस पॉलिसी में आपको हर तीसरे साल के अंत में सम एश्योर्ड का 15% मिलेगा। अगर आपने पॉलिसी टर्म 9 साल का लिया है तो आपको हर तीसरे साल के अंत में 15%, फिर छठे साल के अंत में 15%, फिर बाकी का बचा पैसा प्लस बोनस 9वें साल के अंत में मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने सम एश्योर्ड 10 लाख का लिया है तो आपको तीसरे साल के अंत में 1.5 लाख, छठे साल के अंत में 1.5 लाख और बाकी का बचा पैसा प्लस बोनस आपको 9वें साल के अंत में मिलता है। मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ कि अगर सम एश्योर्ड आपका 10 लाख है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको 10 लाख रुपए जमा करना है, इसका मतलब ये होता है कि आपने 10 लाख का बीमा लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 10 लाख का बीमा लेते हैं तो आपको कितना प्रीमियम जमा करना पड़ेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टर्म ले रहे हैं, 9, 12 या 15 और आपकी एज क्या है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल में आपको LIC और इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस तरह आपको इस प्लान के 9 साल के टर्म में आपको तीन बार, यानी तीसरे साल के बाद, 6 साल के बाद और 9 साल के बाद पैसे मिलते रहेंगे। और अगर आप टर्म 12 साल का लेते हैं तो आपको चार बार, यानी तीसरे साल के बाद, 6 साल के बाद, 9 साल के बाद और 12 साल के बाद पैसे मिलते रहेंगे। और अगर आपने यहाँ टर्म 15 साल का लिया है तो 5 बार, यानी तीसरे साल के बाद, 6 साल के बाद, 9 साल के बाद और 12 साल के बाद पैसे मिलते रहेंगे। इस प्लान में अगर मैच्योरिटी से पहले डेथ होती है, मतलब अगर पहले 5 साल में डेथ होती है तो सम एश्योर्ड मिलता है और अगर कोई सर्वाइवल बेनिफिट लिया है तो वो भी मिलता है। मतलब अगर 3 साल से पहले डेथ होती है तो सम एश्योर्ड मिलता है और डेथ अगर 3 साल के बाद और 5 साल से पहले होती है तो सम एश्योर्ड का 15% के अलावा सम एश्योर्ड भी मिलता है। और अगर 5 साल के बाद डेथ होती है तो सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलता है। लॉकिंग पीरियड इसमें 1 साल का होता है, लोन आप 1 साल बाद ले सकते हैं और इसमें सरेंडर भी आप 1 साल बाद करवा सकते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क का मतलब होता है कि आपके बीमा में रिस्क कवर कब से स्टार्ट हो रहा है। तो इस प्लान में रिस्क कवर पहले दिन से ही स्टार्ट होता है। सुसाइड केस में अगर 1 साल के अंदर सुसाइड होती है तो 80% प्रीमियम रिटर्न कर दिया जाता है और 1 साल बाद वो भी कवर हो जाता है। कूलिंग ऑफ पीरियड, कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब होता है अगर आपको पॉलिसी पसंद नहीं आई है तो आप उसको रिटर्न करके पैसे वापस ले सकते हैं। और इस प्लान में कूलिंग ऑफ पीरियड 15 दिन का होता है, यानी
रिसिप्ट इशू होने के 15 दिन के अंदर आप पैसे वापस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्लान के लिए प्रपोजल फॉर्म 300 या 340 नंबर के फॉर्म भरे जाते हैं। अगर क्लाइंट की एज 15 से 18 के बीच है तो फॉर्म नंबर 340, और अगर उनकी उम्र 18 या 18 से ऊपर है तो फॉर्म नंबर 300 भरा जाता है। फ्रेंड्स, इस प्लान में आपको 2 बार टैक्स में छूट मिलती है। पहले प्रीमियम अमाउंट में आपको सेक्शन 80C के तहत रिबेट मिलता है और मैच्योरिटी में आपको सेक्शन 10D के तहत रिबेट मिलता है। ज़्यादातर सेविंग में मैच्योरिटी टैक्स फ्री नहीं होती है। मैच्योरिटी अमाउंट लाखों में होता है जिसे टैक्स भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, पर टैक्स फ्री मैच्योरिटी में आप बहुत बचत कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। एग्जाम्पल में मैंने तीनों अलग अलग टर्म लिए हैं, 15, 12 और 9, जिसमें मैंने 10 लाख का सम एश्योर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिस्टर रोहित हैं जिनकी एज 30 साल है, टर्म यहाँ पे 15 साल लिया गया है और सम एश्योर 10 लाख का है। यहाँ पे आपको सिंगल प्रीमियम विद टैक्स 4.5% जमा करना है, जिसमें मिस्टर रोहित ने जो पैसा जमा किया है वो है 7,68,389 रुपीज़, यानी 7,35,300 तो एक्चुअल अमाउंट है, जो उनमें टैक्स पड़ा है वो है 33,089 रुपीज़, यानी जो उन्होंने टोटल पैसा पे किया है या प्रीमियम जमा किया है वन टाइम में वो है 7,68,389 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, उनको तीसरे साल में मिलेगा 1,50,000 रुपीज़, 6th ईयर में उनको मिलेगा 1,50,000 रुपीज़, 9th ईयर में उनको मिलेगा 1,50,000 रुपीज़ और 12th ईयर में उनको मिलेगा 1,50,000 रुपीज़, और उन्हें 15th ईयर में आखिरी में उनको मिलेगा 10,68,389 रुपीज़, यानी टोटल जो उनको मैच्योरिटी मिली है वो है 16,68,389 रुपीज़। ये दूसरा एग्जांपल है जिसमें मिस्टर रोहित की एज 30 है और यहाँ पे हमने टर्म लिया है 12 इयर्स का और यहाँ पे सम एश्योर 10 लाख का होगा। यहाँ सिंगल प्रीमियम विद टैक्स 4.5% जो मिस्टर रोहित ने जमा करा है वो है 7,59,367 रुपीज़, जिसमें एक्चुअल अमाउंट तो 7,26,667 है, प्लस उसमें 32,700 रुपीज़ टैक्स लगेगा, यानी टोटल जो प्रीमियम पेड किया है मिस्टर रोहित ने वो होगा 7,59,377 रुपीज़। तो तीसरे साल में मिस्टर रोहित को पैसे मिलेंगे 1,50,000 रुपीज़, छठे साल में 1,50,000 रुपीज़ और 9वें साल में 1,50,000 रुपीज़ उन्हें मिलेगा, और उसके बाद 12th ईयर में उन्हें मिलेगा 9,59,367 रुपीज़, यानी टोटल उनको जो मैच्योरिटी मिलेगी वो मिलेगी 14,09,367 रुपीज़। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टर्म 9, यानी 9 साल के टर्म मेरे के लिए, जिसमें मिस्टर रोहित की एज 30 ली है और टर्म लिया है 9 साल का, सम एश्योर 10 लाख और सिंगल प्रीमियम जो उन्हें पे किया है विद टैक्स 4.5% वो होगा 7,40,038 रुपीज़, जिसमें उनको टैक्स 31,868 रुपीज़ टैक्स पड़ेगा और एक्चुअल अमाउंट होगा 7,81,070 रुपीज़, यानी टोटल जो उन्होंने प्रीमियम पे किया है वो होगा 7,40,038 रुपीज़। उसके बाद उन्हें जो रिटर्न मिलेगा वो होगा तीसरे साल में 1,50,000, छठे साल में 1,50,000 और 9वें साल में उनको मिलेगा 8,50,038 रुपीज़, यानी टोटल मैच्योरिटी उनको मिलेगी 11,50,038 रुपीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, share and press the bell icon.